आजकल हमारे खाद्य पदार्थ मिलावट के जहर से बच नहीं पा रही हैं। खासकर मिठाइयों की बात करें तो त्योहारों के दौरान मिलावट और भी बढ़ जाती है। लेकिन अब हल्द्वानी में एक मिनट में ही खाद्य पदार्थों की जांच हो जाएगी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग ने अपनी मोबाइल टेस्टिंग लैब की सुविधा को प्रदान करना शुरू कर दिया है। यह टेस्टिंग लैब हल्द्वानी के मंगल पड़ाव के सिंधी चौराहे में स्थित है। यहाँ महज एक मिनट में खाद्य पदार्थों की प्राइमरी टेस्टिंग की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कालाढूंगी, रामनगर और हल्द्वानी में पिछले 3 दिनों में 150 से अधिक सैंपल चेक किए हैं। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि यह मोबाइल टेस्टिंग लैब आम उपभोक्ताओं के लिए भी खुली है। लोग चाहे मिठाई का सैंपल कराएं या फिर अपने घर के दूध, दही, घी आदि का सैंपल एक मिनट में चेक करा सकते हैं। एक सैंपल जांच की फीस केवल 50 रुपये रखी गई है। इसमें आपको एक मिनट में यह जानकारी मिल जाएगी कि आपका खरीदा हुआ खाद्य पदार्थ कितना शुद्ध है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड के पास अब 3 मोबाइल टेस्टिंग लैब उपलब्ध हो गई हैं। पिछले 3 दिनों से नैनीताल जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग मोबाइल टेस्टिंग लैब ले जाकर मौके पर टेस्टिंग कर रहा है। मंगलवार को पहला सैंपल एक मिठाई की दुकान का आया, जिसमें मिठाई के डिब्बे से रसगुल्ला और बर्फी की टेस्टिंग की गई, जिसमें बर्फी मिठाई ठीक पाई गई लेकिन रसगुल्ला में मिलावट दिखाई दी। मोबाइल लैब में मौजूद जूनियर एनालिस्ट ने बताया कि अधिकांश खाद्य पदार्थ की प्राइमरी टेस्टिंग एक मिनट में हो जाती है। अगर किसी गंभीर मिलावट का अंदेशा होता है तो उसका सैंपल लेकर रुद्रपुर स्थित बड़ी लैब में भेजा जाता है, जहां अगर मिलावट पाई गई तो संबंधित दुकानदार या उत्पाद बनाने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर खाद्य पदार्थों की जाँच करता रहता है और जहाँ मिलावट होती है वहाँ कार्रवाई भी होती है, लेकिन जनता में एक विश्वास जगाना भी जरूरी है कि जो चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं वो शुद्ध हैं, और अगर कहीं मिलावट होती है तो उस पर कार्रवाई भी। तो ये एक मोबाइल टेस्ट वैन है जिसमें लगभग अधिकांश खाद्य पदार्थों की बेसिक टेस्टिंग हो जाती है। तो ये हम कल भी यहाँ लाए थे, आज भी है। तो इसमें जितने भी दुकानदार हैं या जो उपभोक्ता हैं उनको हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि जो चीज़ें अपने बना रहे हैं उसमें जो रॉ मटेरियल उपयोग हो रहा है या जो प्रोडक्ट हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको चेक कराएँ और अपने आप सामने आकर अपने सामने टेस्ट करा कर देखें कि उसमें शुद्धता है या किसी तरह की कोई कमी है, ताकि वो अपनी जो क्वालिटी है उसमें सुधार कर सकें। और अगर शुद्ध सब मिल रहा है तो जनता में इस बात का विश्वास पैदा हो कि जो खाद्य पदार्थ हमें मिल रहे हैं वो शुद्ध मिल रहे हैं। तो इसी प्रयास में कल भी हम लोगों ने यहाँ लगभग 52-53 सैंपल चेक किए थे और अभी फिर हम आए हैं, फिर सैंपल चेक कर रहे हैं। जहाँ थोड़ी बहुत कमी पाई जाती है तो वहाँ कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं है इसमें, लेकिन अगर कोई गंभीर कमी मिलती है जिसमें असुरक्षित टाइप का मिलता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करते हैं। यहाँ ये जो टेस्टिंग है इसकी 50 रुपये फीस रखी गई है, बहुत ही मिनिमम। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता है, घर में अपने दूध है, दही है, पनीर जो यूज़ कर रहा है अपना लेकर आए, अपने सामने 50 रुपये या फीस दे और उसको जांच करा ले। कोई अगर कमी निकलती है उसमें तो विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। हम जो वैसे सैंपल जब लेते हैं, लीगल सैंपल जब कोर्ट भेजते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है, क्योंकि किसी भी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। NABL मान्यता होनी चाहिए लैब की। जो हमारी लैब है जो रुद्रपुर में है वो वेल एस्टेब्लिश अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर NABL मान्यता प्राप्त लैब है, उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होती है। जो यहाँ पर जो लैब है इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ रखी गई हैं, जो बेसिक टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो इसके आधार पर कानूनी कार्रवाई का अभी प्रावधान नहीं है, लेकिन विभाग प्रयास कर रहा है कि इनको बढ़ाया जाए और उस लेवल तक लाया जाए कि इनके टेस्ट के आधार पर भी किसी प्रकार की कार्रवाई हो सके।